सो हे व्हाट्सअप यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हो कि सब अच्छे ही होंगे। तो भाई आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं कार फोर सेल सिमुलेटर। और भाई शुरुआत में भाई हमको जो है कुबाड़ा देखने को मिल गया। तो भाई चलो पहले इसको साफ करता हूँ और फिर बताता हूँ कि भाई हम आज अपने गेम में क्या करने वाले हैं। तो भाई ये कुबाड़ा तो साफ कर दे। तो भाई आज हम अपने गेम में करने वाले हैं लैम्बोर्गिनी चैलेंज। और भाई आज मैं अपने गेम में लेकर आने वाला हूँ लैम्बोर्गिनी। देखते हैं भाई हम ला पाते हैं या नहीं, वो आप गेम प्ले वीडियो में ही देख लेना। तो भाई आप लोग नोटिस कर रहे हो कि भाई सुप्रा का मुंह इधर है और फ्राइडे का उधर, तो भाई दोनों रूटी रूटी लग रही है। तो इसलिए भाई मैं जो सुप्रा है भाई उसको एकदम सीधी कर खड़ी करता हूँ। तो चलो भाई इसको मैं अब इस पार्क अच्छे से करता हूँ, फिर फ्राइडे को भी भाई इसी की साइड में पार्क कर दूंगा। तो चलो भाई पहले मैं इसको अच्छे से पार्क करता हूँ। तो ये भाई मैंने सुप्रा को तो अच्छे से पार्क कर दिया है और अब बारी है भाई फ्राइडे की। तो चलो फ्राइडे की साइड चलते हैं जल्दी से। तो फ्राइडे के पास पहुँच गए और भाई बैठता हूँ इसमें एंड इसको करिया स्टार्ट। तो चलो भाई इसको भी बिल्कुल ध्यानपूर्वक तरीके से लेकर चलता हूँ भाई मैं पीछे एंड इसको लगाता हूँ सुप्रा की साइड में। और भाई जो दोनों गाड़ी साइड में खड़े होकर लगती है ना भाई, क्या ही लगती है दोनों, तो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। तो इसलिए भाई मैंने इन दोनों को जो है वो साइड में ही खड़ा कर दिया है। और भाई जो अपनी गाड़ी है भाई वो भी थोड़ी बहुत डर्टी हो रखी थी 73%। तो इसीलिए भाई मैं अपनी गाड़ी को जो है वो साफ करने में लग जाता हूँ एंड आज अपनी गाड़ी को जो भाई एकदम चमका दूंगा। और चलो भाई मैं पहले इनको साफ कर लेता हूँ और फिर आप लोगों को एक बैड न्यूज बताता हूँ, क्योंकि भाई आज हम दोनों गाड़ी को जो है भाई वो सेल करने वाले हैं। तो भाई अगर हम इन गाड़ी को सेल नहीं करेंगे तो भाई लैम्बोर्गिनी कैसे लेकर आएंगे? तो इसलिए यार इन गाड़ी को जो है वो सेल करना पड़ेगा। तो पहले भाई इन दोनों गाड़ियों को जो है वो साफ कर देता हूँ। तो ऑल राइट गाइस, भाई मैंने इन दोनों गाड़ी को जो है वो एकदम क्लीन कर दिया है और भाई अब इनको लगाता हूँ सेल पर। तो भाई इनको सेल पर लगाने के लिए मैं चलता हूँ सीधा अपने ऑफिस के अंदर। और ऑफिस के अंदर पहुँच गया और कंप्यूटर को ओपन किया एंड वेब पेज को ओपन किया। तो भाई ये आ गई अपनी दोनों गाड़ी। और भाई टोयोटा की सुप्रा को मैं लाया था 55,000 रुपीज़ की। तो भाई इसका प्राइस मैं डालने वाला हूँ 2 लाख रुपीज़ एंड इसको लगा तो भाई सेल पर। और अब बारी अपनी फ्रारी की। तो भाई फ्रारी जो गाड़ी थोड़ी महंगी है तो इसीलिए भाई इसका प्राइस भी महंगा डाल लेंगे। तो ये लाया था मैं 3,30,000 रुपीज़ की। तो भाई इसका प्राइस मैं डालने वाला हूँ सीधा 9 लाख रुपीज़ और इसको लगा तो भाई पुट ऑन सेल एंड जो अपनी दोनों गाड़ियाँ भाई वो सेल पर लग चुकी है। तो यार चलो थोड़ा बार देखता हूँ अपनी जो दोनों गाड़ियाँ वो सेल पर लगी है या नहीं। तो अपनी जो दोनों गाड़ियाँ भाई वो सेल पर लग चुकी है और भाई इन पर टैग भी आ गया सेल का। तो भाई अब वेट है बस कस्टमर आने का। तो भाई थोड़ी महंगी गाड़ी है तो कस्टमर भी थोड़ा देर से आएंगे, जब तक भाई कस्टमर आते हैं। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को भी लाइक कर देना। तो यार मैं ऑफिस बंद कर सीधा सोने चलता हूँ, फिर कल आकर अपना ऑफिस खोलूँगा एंड फिर भाई जो इन दोनों गाड़ियों को भी बेचूंगा और फिर लाऊंगा भाई मैं अपने गेम में लैम्बोर्गिनी। तो चलो भाई मैं पहुँच गया अपने कंटेनर और यहाँ पर पहुँच कर भाई मैं अपने सीधा बेड पर चलता हूँ। तो चलो गाइस मैं मिलता हूँ आप लोग को कल। तो गुड मॉर्निंग गाइस, अपने गेम में हो चुका है एक न्यू डे और भाई आज है कार मार्केट प्लेस ओपन। तो चलो भाई मैं पहले अपने ऑफिस चलता हूँ एंड फिर वहाँ से चलूँगा भाई कार मार्केट। तो ये पहुँच गया भाई मैं अपने ऑफिस और भाई ऑफिस चलता हूँ सीधा। तो भाई आप लोगों को दूर से दिख गया होगा कि आज फिर भाई अपने ऑफिस पर कोई कचरा फेंक कर चला गया। तो चलो कोई बात नहीं भाई, कचरे को साफ करता हूँ और इसको भी उठाया एंड इसको भी फेंक दिया डस्टबिन में। और भाई अब अपना ऑफिस ओन करता हूँ। तो चलो भाई अब अपना ऑफिस जो है वो ओपन तो हो गया और इसी के साथ भाई मैं एक स्किल भी अनलॉक कर लेता हूँ। तो भाई अब वेट है बस कस्टमर आने का, जब कस्टमर आ जाएंगे फिर भाई इन दोनों गाड़ी को जो है वो सेल कर देंगे और फिर चलता हूँ भाई मैं कार मार्केट। तो इसके साथ भाई अपना एक कस्टमर आ चुका है और भाई ये कस्टमर फ्रारी के लिए आया है। तो चलो भाई आप ही जाओ पहले, तो चलो इनसे भाई बातचीत करते हैं कि अपने फ्रारी के कितनी दे रहा है। तो भाई ये मैंने 9 लाख रुपीज़ डाला है, तो भाई ये अपनी फ्रारी का दे रही है 4 लाख रुपीज़। तो भाई इसका थोड़ा कम है तो इसको बढ़ाकर सीधा 5 लाख रुपीज़ कर देता हूँ। और भाई 5 लाख रुपीज़ में जो अपनी फ्रारी है ये बिक भी जाती है। तो भाई अब बार ये सुप्रा की, तो सुप्रा के लिए भाई अभी कोई कस्टमर नहीं आया है, तो थोड़ा बहुत वेट करते हैं तो सुप्रा के लिए भी भाई कस्टमर आ जाएंगे। और भाई अभी तक भी कस्टमर नहीं आए तो थोड़ा वेट और करते हैं भाई, फिर अपनी सुप्रा को भी बेच कर चलूँगा भाई सीधा कार मार्केट। और कार मार्केट पर देखते हैं भाई कौन कौन सी गाड़ी आ रखी है। तो भाई चलो अभी कस्टमर सुप्रा के लिए नहीं आ रखे थे तो इसलिए भाई मैं अब कार मार्केट ही चलता हूँ। तो
चलो भाई ये पहुंच गए मैं कार मार्केट एंड यहाँ पर आकर देखते भाई कौन कौन सी गाड़ियाँ जो है वो आ रखी है। तो भाई आप लोगों को दूर से दिख गई होगी फरारी जो कि अभी मैंने भाई सेल की है, और यहाँ पर और भी कई गाड़ियाँ रखी है और भाई टोयोटा की सुप्रा एक और फरारी। तो भाई ये सुप्रा पूछते हैं कितने की दे रहा है, तो भाई ये सुप्रा मेरे को देता 54,000 रुपीज़ की, लेकिन भाई हम सुप्रा जो है वो अभी खरीदेंगे नहीं, हमारा मेन मकसद है लैम्बोर्गिनी। और भाई आप लोगों को शायद भाई लैम्बोर्गिनी दिख भी गई होगी, तो चलो भाई इससे जाकर बात करता हूँ। तो भाई ये हम लोगों को जो लैम्बोर्गिनी है वो दे रही है 4,60,000 रुपीज़ की, तो भाई इससे बार्गेन करते हैं। और भाई इससे बार्गेन कर मैं इसको ऑफर देने वाला हूँ सीधा 4,00,000 रुपीज़ का, देखते हैं भाई ये 4,00,000 रुपीज़ में हमको जो है लैम्बोर्गिनी देगी या नहीं। तो भाई मैंने 4,00,000 रुपीज़ से बढ़ाकर 4,20,000 रुपीज़ कर दिया, तो भाई ये ऑफ़र देखते हैं, इसको ऑफ़र तो दे दिया है, तो भाई इसने जो ये गाड़ी हमको दे भी दी है 4,20,000 रुपीज़ में। तो चलो भाई अपने जो लैम्बोर्गिनी है भाई वो फाइनली परचेज भी कर लिया अपने गेम में। तो चलो भाई अब मैं इसको लेकर चलता हूँ अपने ऑफिस, और अभी भी भाई मेरे पास बचे हुए हैं 1,00,000 रुपीज़। तो खैर कोई बात नहीं भाई, इनको लगाऊंगा सीधा इस लैम्बोर्गिनी जो है अपग्रेड कराने में। तो भाई अब अपनी लैम्बोर्गिनी को लेकर चलता हूँ भाई सीधा अपने ऑफिस के लिए। और भाई आप साउंड सुनो भाई, क्या क्रेजी साउंड आ रहा है, मेरे को तो भाई गजब लग रही है अपनी लैम्बोर्गिनी, और भाई मैंने पहली बार परचेज किया है तो इस वजह से। तो चलो भाई मैं अपनी लैम्बोर्गिनी जो भगाते भगाते पहुंचने वाला हूँ अपने ऑफिस, और भाई ऑफिस पर अपने जो है कस्टमर भी आ रखे हैं सुप्रा के लिए। तो चलो भाई मैं इसको सुप्रा को भी सेल करता हूँ। तो ये पहुंच गया अपने ऑफिस, और भाई सुप्रा के कस्टमर की भाई लाइन लगी पड़ी है। तो भाई ये पहले वाला जो कस्टमर है ये हमको सुप्रा के दे रहा था 97,000 रुपीज़। तो भाई तू रुक जा अभी, तो इनसे पूछते हैं। तो भाई ये आंटी जी हमको दे रही थी सुप्रा के 90,000 रुपीज़, तो भाई ये तो उससे भी कम दे रही थी, तो इसलिए भाई मैं इसको यहाँ से भगा देता हूँ। और अब भाई ये वाली कस्टमर बची थी, तो भाई ये मेरे को दे रही थी 2,000 रुपीज़, तो भाई मैं इसको भी सीधा यहाँ से भगा देता हूँ। एंड अब बची है भाई अपनी लास्ट कस्टमर, और भाई ये मेरे को दे रही थी अपनी सुप्रा के 1,00,000 रुपीज़, और भाई मैं इसको जो है वो बार्गेन करता हूँ एंड इसको भाई देता हूँ 1,20,000 रुपीज़ का ऑफर। लेकिन भाई ये 1,20,000 रुपीज़ में जो है गाड़ी को परचेज तो नहीं करती, तो इसलिए भाई मैं फिर से इसको जो है 1,10,000 रुपीज़ का ऑफ़र देता हूँ, और भाई ये 1,10,000 रुपीज़ में अपनी सुप्रा को यहाँ से लेकर भी चली जाती है। तो इसी के साथ भाई हमने जो अपनी सुप्रा है वो भी बेच दी। तो अब चलता हूँ भाई मैं अपनी लैम्बोर्गिनी को जो है रिपेयर कराने, तो इसीलिए भाई मैं इसको रिपेयर शॉप पर लेकर चलता हूँ। तो चलो भाई इसको जल्दी से रिपेयर शॉप पर लेकर चलता हूँ फुल स्पीड में एकदम भगाते हुए। तो फुल स्पीड में तो नहीं भगाऊंगा, लेकिन आराम से तो लेकर ही चलूँगा। तो चलो भाई ब्रेक लग जाओ भाई, यार ठुक गई यार, डैमेज ना हुई हो तो यार अपनी गाड़ी जो है वो डैमेज ना हुई हो बस थोड़ी सी भी। तो इससे बात करता तो भाई ये बता रहा है कि आपकी गाड़ी डैमेज नहीं है, तो इसीलिए यार अब मैं इसको लेकर चलता हूँ सीधा दूसरी रिपेयर शॉप पर, और वहाँ से इसका जो है वो पेंट चेंज कराऊँगा। तो चलो भाई मैं इसमें बैठ गया, और अब लेकर चलता हूँ भाई इसको दूसरी रिपेयर शॉप पर। और भाई ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, और यार भाई ये ठुक गई भाई, डैमेज हो गई यार थोड़ी सी, बैक फ्रंट इसका जो है भाई वो डैमेज हो गया। तो चलो कोई नहीं भाई, इसको फिर से लेकर चलता हूँ रिपेयर शॉप पर और इसको रिपेयर कराता हूँ। एंड अपनी गाड़ी जो है भाई वो ज़्यादा डैमेज नहीं हुई है, $73 में भाई जो है ये गाड़ी को रिपेयर कर देगा। तो भाई इसने गाड़ी को रिपेयर पर लगा दिया है, और बहुत जल्दी भाई ये गाड़ी को जो है रिपेयर भी कर देता है। आप लोग देख सकते हो भाई इसने कितनी जल्दी जो है गाड़ी को भी रिपेयर कर दिया। तो चलो भाई फाइनली अपनी गाड़ी जो है वो फिर से नीचे आ चुकी है, और भाई अब बिल्कुल इसको धीरे धीरे लेकर चलूँगा एकदम धीरे धीरे और ध्यानपूर्वक तरीके से। तो चलो भाई अब इसको लेकर चलता हूँ दूसरी शॉप पर, और वहाँ से इसका जो है वो कलर चेंज कराता हूँ। तो ये पहुँच गया भाई मैं दूसरी शॉप पर भी, और अब उतरता हूँ गाड़ी से नीचे। तो चलो भाई अब तू है मेरी गाड़ी का जो कलर है भाई वो चेंज कर। तो ऑल राइट गाइस, भाई मैंने अपनी गाड़ी का जो है वो कलर चेंज करा लिया है। तो भाई आप लोग देख सकते हो कि भाई मैंने अपनी गाड़ी को जो है वो भाई बिल्कुल ब्लू करा लिया है, और अब इसको लेकर चलता हूँ भाई मैं सीधा अपनी दूसरी शॉप पर, वहाँ से इसके जो है व्हील वगैरह चेंज कराऊंगा। तो ये पहुँच गया अपनी दूसरी शॉप पर, और यहाँ पर इसके जो है व्हील चेंज कराऊंगा एंड इसमें जो रेसिंग किट लगवा देता हूँ। रेसिंग किट भाई इसमें जो है ना रेसिंग किट लगाई, एंड ड्रिफ्ट किट तो भाई मैं लगवाऊंगा नहीं, टर्बो लगाया, NOS लगा दिया, और अब बाइक के सस्पेंशन पर मैं जो है ज़्यादा ध्यान नहीं देता, और लाइट वगैरह पर भी नहीं। तो भाई नंबर प्लेट पर भाई अपना वही शोरूम का नाम डालते हैं, कार ले लो तो जल्दी से भाई अपने शोरूम का भी जो है वो नाम डाल देता हूँ मैं अपना।
तो फाइनली भाई मैंने अपने शोरूम का भी नाम जो है उस पर डाल दिया है। और अब जो नंबर प्लेट है भाई, मैं सोच रहा हूँ कि ये वाली लेते हैं, तो ये वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो इसीलिए भाई इसको कराया अपडेट। एंड एक चीज़ तो रह गई भाई, जो कि है व्हील। तो भाई पहले मैं व्हील को भी चेंज करा लेता हूँ। तो भाई मैं व्हील सोच रहा हूँ कि ये वाली लगाओ। नो यार, ये वाली अच्छी नहीं लग रही थी, तो फिर और थोड़ा नीचे चलता हूँ, लेकिन नीचे भी भाई अच्छे व्हील नहीं थे। तो फिर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करता हूँ तो भाई मेरे को ये वाले व्हील मिलते हैं, और ये वाले व्हील भाई मेरे को काफ़ी अच्छे भी लग रहे थे, तो इसलिए भाई मैं ये वाले व्हील लगवा लेता हूँ। और अब लेकर चलता हूँ भाई इसको मैं अपने सीधा शोरूम पर। तो चलो भाई इसके अंदर बैठ गया या किया गाड़ी को स्टार्ट। तो चलो अब इसको यहाँ से निकालता हूँ। तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि इसको शोरूम पे ले जाने से पहले एक फेरी जो है गाड़ी को वॉश भी करा लाऊँ। तो चलो भाई मैं पहले कार वॉश कराने ही चलता हूँ। तो भाई मैं इसको भगा रहा हूँ फुल स्पीड में, और भाई पटाखे भी मार दिया है, तो मेरे को अभी पता चला। तो चलो भाई पहुँच गया वो गैस स्टेशन, और भाई गैस स्टेशन के अंदर ही जो है कार वॉश का सेंटर भी है, तो इसीलिए भाई मैं सीधा आता हूँ कार वॉश एंड अपनी गाड़ी को जो है भाई वो वॉश भी कराता हूँ। तो चलो भाई तू मेरी गाड़ी को जो है वो वॉश कर दे। तो भाई जब तक अपनी गाड़ी जो है वॉश हो रही है, अगर आप लोगों ने अभी भी भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो भाई, जल्दी से कर दो। और भाई आप लोग कमेंट में भी बता दो कि नेक्स्ट गेम प्ले वाली वीडियो में भाई कौन सी गाड़ी जो है वो परचेज करनी चाहिए। तो चलो भाई अपनी गाड़ी जो है वो वॉश भी हो चुकी है, और भाई अब इसमें थोड़ा बहुत जो है फ्यूल भी डला लेता हूं। भाई मैं बैठ गया गाड़ी के अंदर, और अब इसको लेकर चलता हूं भाई सीधा गैस स्टेशन पर, और वहां से इसमें जो थोड़ा बहुत फ्यूल भी डलाऊंगा। तो भाई ये गाड़ी जो थी यहाँ पर वो हमारे डर से गायब भी हो चुकी है। तो चलो भाई मैं पहुँच गया यहाँ पर, और इसको करता हूँ यहाँ पर, और जो अपनी लैम्बोर्गिनी है भाई उसकी कराता हूँ टंकी एकदम फुल। तो भाई मैंने अपनी जो लैम्बोर्गिनी की टंकी फुल है वो करा दी है। तो चलो भाई अब इसको लेकर चलता हूँ सीधा कंटेनर, क्योंकि भाई अब जो थोड़ी बहुत देर में रात भी हो जाएगी अपने गेम में, तो इसीलिए भाई मैं सीधा अपने कंटेनर ही चले जाता हूँ। और चलो भाई मैं अपने कंटेनर के लिए यहाँ से निकल तो जाता हूँ, और अब भाई मैं अपने कंटेनर पहुँचने वाला हूँ। और पहुँचते पहुँचते भाई रात हो जाती है, और अपनी गाड़ी जो है भाई फुल स्पीड में थी तो इसलिए ड्रिफ्ट भी कर जाती है। तो चलो भाई अब मैं चलता हूँ अपने कंटेनर के अंदर, और यहाँ पर भाई चल कर सोता हूँ। तो बस गाइस आज की इस गेम प्ले वाली वीडियो में इतना ही, और भाई आज हमने कर लिया अपने गेम में लैम्बोर्गिनी भी परचेज। तो भाई आज की इस गेम प्ले वाली वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो ये गेम प्ले वीडियो भाई अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो भाई मैं मिलता हूँ नेक्स्ट गेम प्ले वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।